बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे, अर्थात कि जो छात्र अभी नाइन्थ का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उसके साथ साथ जो छात्र क्लास 11th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, तो आपके परीक्षा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। आप लोग की तरफ से काफ़ी प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि क्लास नाइन्थ और क्लास 11th का एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट पर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन सा पैटर्न रहेगा, पूरे विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले अभी का ये वीडियो है उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए जो अभी क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे हैं या क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, अर्थात कि जिनका मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में, 2022 का तो हो रहा है लेकिन आपका परीक्षा पड़ेगा 2023 में, और अगर आप क्लास नाइन्थ में पढ़े तभी आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अगर आप अभी क्लास 11th में तो आपका भी रजिस्ट्रेशन का तो अभी डेट चल ही रहा है, लेकिन काफी छात्र छात्राओं का क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन अर्थात कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपका अब सवाल है कि एग्जाम 11th का 9th का कब होगा, तो देखिए आपके स्कूल खोलने की तैयारी में बिहार बोर्ड है और 7 फरवरी से बिहार के सभी स्कूल खुल जाएंगे। सिर्फ स्कूल बंद था इसी वजह से आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही 7 फरवरी से आपका स्कूल खुलेगा तो 11th के तो एग्जाम पे संशय है क्योंकि 11th का एग्जाम पिछले 2 सालों से आयोजित नहीं हो रहा है, लेकिन 9th के एग्जाम पे कोई संशय नहीं है। 9th का एग्जाम 7 फरवरी के बाद कभी भी आयोजित हो सकता है। बिहार बोर्ड जल्द ही 1 से 2 दिन में इसके लिए नया अपडेट और आपका रूटिंग जारी कर देगा। छात्र का क्लास 9th का एग्जाम है तो 7 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहा है, इसके बाद आपके एग्जाम का आयोजन होगा। ऐसा उम्मीद है कि इसी माह में अर्थात कि फरवरी माह में ही क्लास 9th की परीक्षा शुरू हो जाएगा। क्लास 11th के जो छात्रों का प्रश्न था, तो 11th के एग्जाम को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार 11th का एग्जाम का आयोजन नहीं हो रहा है। इस साल होगा कि नहीं, तो जब तक बिहार बोर्ड ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं करेगा तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अब प्रश्न है कि क्लास 9th का एग्जाम कब होगा, तो पिछले साल 26 फरवरी से क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा का आयोजन हुआ था और बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तरह बिहार बोर्ड जो है आपके 9th का प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट उपलब्ध कराएगा। इस साल भी पूरा उम्मीद है कि 26 फरवरी या 1-2 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन इसी डेट पर और इसी रूटीन पर इस साल भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 9th का एग्जाम कंडक्ट करेगा। अब प्रश्न है कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, तो जितने भी छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, अर्थात कि जिनको क्लास 9th की परीक्षा देना है 2022 में, तो आपको अब बचे हुए समय में मात्र 1 मंथ समय है, तो इस समय आपको क्लास 9th का तैयारी करना है। अब देखते हैं कि क्लास 9th का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा 2022 के वार्षिक परीक्षा का और किस रूप में आपको तैयारी करना है। तो आपको क्लास 9th के एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे गूगल का सर्च बॉक्स मिल जाएगा, इस सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम से ER कैरियर पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे आपको ER कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च कर देना है, या ऐसे आपको टाइप करके सर्च करने में दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप समझ रहे हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो इस पेज आप पहुंच जाएंगे। यहां पे पहुंचने के बाद आपके सामने 2 वेबसाइट ओपन होगा, एक होगा ercarrierpoint.in और दूसरा यहां पे देखिए ercarrierpoint.com। तो सिंपल सा आपको इस .com लास्ट वाला जो वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ercarrierpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपडेट किया गया है क्लास 9th एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह आपके सामने एक एक जानकारी ओपन होगा, यहीं पे क्लास 9th के एग्जाम के बारे में पूरा अपडेट आपको दिया गया है, एक एक जानकारी पढ़ लीजिएगा कि क्लास 9th के एग्जाम का प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, ओएमआर शीट कैसा रहेगा, कहाँ पे सेंटर होगा, कार्ड इसका आएगा कि नहीं, कितना रुपया शुल्क है, सभी जानकारी यहाँ पे देखिए। सिलेबस भी आपके लिए अपडेट किया गया है, सिलेबस आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहां से 2021 के प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो यहां पे क्लिक हियर पे क्लिक करके प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं, और यहां पे डेट के बारे में तो यहां पे देखिए सभी डेट अपडेट किया गया है क्लास 9th एग्जाम को लेकर। यहां पे जो नोटिफिकेशन था इसको भी आप यहां पे आकर पढ़ सकते हैं। फिर यहीं पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे ही एग्जाम का रूटिंग आएगा यहां पे क्लिक करके आप रूटिंग डाउनलोड कर सकते हैं। करता हूं आप क्लियर समझें कि क्लास 9th का एग्जाम के अपडेट 1 से 2 दिन
दिन में आएगा और फरवरी माह में ही आपके क्लास नाइन्थ का एग्जाम होगा। तो आप जितने भी छात्र क्लास नाइन्थ में हैं तो आपको अपने वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी अब शुरू कर देना है, क्योंकि कुछ दिन का समय शेष है। और एलेवेंथ को एग्जाम को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि एलेवेंथ का एग्जाम पिछले लगातार 2 साल से आयोजित नहीं हुआ है। इस साल आयोजित होगा कि नहीं इसके बारे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी कुछ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन नाइन्थ का एग्जाम फिक्स है कि आपका नाइन्थ का एग्जाम फरवरी या मार्च में आयोजित होगा। अगर आप क्लास नाइन्थ के छात्र हैं तो बिल्कुल कम समय आप चाहते हैं कि आपके लिए मॉडल पेपर अपडेट कर दिया जाए, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो आपके लिए 2-3 मॉडल पेपर नया 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग चर्चा कर लेंगे। और आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तभी आप अगर डिमांड करते हैं तो इसी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, उसका पीडीएफ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ आप यहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या arcareer.com वेबसाइट पर आइए और यहां से एक एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।